रुकते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। पूरा हिंदुस्तान निर्भया केस के आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। खबरों की माने तो पहले 16 दिसंबर को दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस मामले की सुनवाई टालने पर अब फिर से फांसी पर 17 दिसंबर को सुनवाई होने पर लोगों में गहरा रोष है। हमीरपुर में एस टुडे चैनल ने निर्भया केस को लेकर लोगों की राय जानी। पूरा हिंदुस्तान निर्भया केस के आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। खबरों की माने तो पहले 18 दिसंबर को दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस मामले की सुनवाई टालने पर अब फिर से फांसी पर 17 दिसंबर को सुनवाई होने पर लोगों में गहरा रोष है। हमीरपुर में एस टुडे चैनल ने निर्भया केस को लेकर लोगों की राय जानी गयी। सुभाष वर्मा ने कहा कि निर्भया गैंग रेप मामले को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की कुकृत्य दोबारा ना हो सके। मैं सुभाष वर्मा हमीरपुर से। भाई साहब पूछ रहे हैं कि 16 दिसंबर को निर्भया कांड के 7 साल पूरे हो रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान की सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि फांसी की सजा का प्रावधान होते हुए भी इन दुष्कर्मियों को आज दिन तक फांसी पे नहीं लटकाया गया, जबकि लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फांसी की सजा सुनाई है। तो जब फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी, फिर दोषियों को जेल में रख के उनकी सेवा करने का क्या फायदा? कुकृत्य जो हो रहे हैं ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक केंद्र सरकार पूरे मजबूती के साथ दोषियों को फांसी पे ना लटकाए, क्योंकि लोगों के मन में डर का माहौल तभी बनेगा जब दोषियों को प्रॉपर सजा मिलेगी। अब देख लो, 7 साल हो गए मजे से जेल में लेटे हुए हैं, मजे से बैठे हुए हैं, और बेचारे निर्भया के माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। तो फांसी तो मेरे हिसाब से अगर लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी दोषी को फांसी की सजा सुना दी तो उसके तुरंत बाद ही उस दोषी को फांसी की सजा हो जानी चाहिए, ना कि उसको मेहमान बना के रखा जाए। वही युक्ति अन्नू ने कहा कि निर्भया मामले में आज तक डील बरती गई है और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेकर फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में देरी होने से इस तरह के दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पहली बात तो मतलब आई थिंक 7 इयर्स हो गए इस केस को, तो मतलब इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। हमारे इंडिया जो गवर्नमेंट है उनको इतने हार्ड रूल्स बनाने चाहिए कि जैसे बाहर के कंट्रीज में इतने टफ रूल्स होते हैं कि ऐसे केसेस हों, वैसे तो होते नहीं है बाहर, बहुत कम होते हैं, अगर अदरवाइज हो तो एकदम से उनको हैंग कर देते हैं, या और बहुत सारा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स हैं। तो यहाँ के गवर्नमेंट को भी ऐसे कोई टफ रूल्स बनाने चाहिए, जैसे एक रूल वो पास करें तो नेक्स्ट टाइम ऐसे केसेस होंगे ही नहीं। फिर अभी 7 इयर्स हो गए, अभी तक भी डिसीजन हुआ नहीं है फाइनल की मतलब उनको हैंग करेंगे या नहीं करेंगे, इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। फिर इसी वजह से औरों को भी मिलता है कि हाँ इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो और केसेस डे बाई डे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। दीक्षा वर्मा का कहना है कि निर्भया केस के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी देशों में ऐसे काम पर फांसी की सजा होती है, इसलिए भारत में भी फांसी का प्रावधान होना चाहिए ताकि लड़कियों की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल सर, फांसी तो होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्ल्स कहीं जा नहीं पाते, पेरेंट्स उनको भेज नहीं पाते इस डर की वजह से कि पता नहीं वो शाम को सेफ आएगी कि नहीं आएगी अपने बच्चों को, अब जैसे जैसे हो रहा है। और यहाँ तो इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा हो रही है चीजें, मीन्स अब जैसे अदर कंट्रीज है वहां पे ठीक है सेफ्टी है गर्ल्स के लिए, बट एज कम्पेयर इंडिया यहाँ पे ज्यादा इन चीजों का डर। तो हम चाहते हैं कि आगे से आगे ना बढ़े, डेट ऑलरेडी 7 इयर्स हो चुके हैं इस चीज को, हम चाहते हैं कि उनको फांसी हो जाए जल्द से जल्द, अदर कंट्रीज की तरह जैसे उनको हैंग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं कि गर्ल्स सेफ रहे, और उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी जैसे सिक्योरिटी हो, गर्ल्स बाहर निकल सके अपना फुल सेफ्टी के साथ। तो हम यही चाहते हैं कि इनको हैंग कर दिया जाए जल्द से जल्द, और आगे से आगे ये डेट्स ना लगाई जाए। युवक दीपक का कहना है कि निर्भया केस में लॉयर आज सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने के बाद जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केस में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए ताकि रेप केस कम हो सके।
ये निर्भय केस में फांसी की सजा जब लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दी है तो इनको क्यों नहीं दी जा रही है? सजा तो होनी चाहिए इनको। और जैसे ही कोई और कांड होता है अपना रेप के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट जैसे ही कोई डिसीजन आता है तो तुरंत फांसी देनी चाहिए उनको। और मेरी सरकार से अपील है कि उन्हें तुरंत फांसी दी जाए और इसका लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और कांड रेप केस कम होंगे। मुन्ना और अनुराग का कहना है कि निर्भय केस में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर कानून का मजाक बन रहा है। उन्होंने दुख जताया है कि निर्भय केस में बहुत पहले ही दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है निर्भया कांड जो हुआ था, और हमें बेहद दुख है इस बात का कि हमारा कानून व्यवस्था जो है वो वैसे लोगों का साथ दे रहा है और उन लोगों को मौके पर फांसी देनी चाहिए। 7-8 साल उनका वेट करके उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। उस बच्ची की माँ को देखिए किस तरह रो रो के बुरा हाल है और हर महीने उनका कोर्ट में चक्कर लगता है। आज हम लोग रोज़ सुबह न्यूज़ देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, तो इसके मतलब बहुत बुरी दुर्दशा है और इसका सिर्फ एक ही फैसला होना चाहिए, सिर्फ फांसी फांसी और फांसी, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी देश का हो। इसके लिए ये है कि फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए।